गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम हिंदी ग्रामर के चैप्टर 19 मुहावरे की एक्सरसाइजेस फिल करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? आज हम हिंदी ग्रामर के चैप्टर 19 मुहावरे की एक्सरसाइजेस फिल करेंगे। पहले आप मुझे ये बताइए कि आप लोगों ने मुहावरे लर्न कर लिए? बताइए बच्चों, लर्न कर लीजिए क्योंकि एग्जाम आने वाले हैं, तो आप लोगों को एग्जाम में मुहावरे भी तो लिखने आ सकते हैं ना। इसीलिए सभी बच्चे लर्निंग स्टार्ट कर दीजिए, अब टाइम को वेस्ट मत कीजिए। ओके, तो चलिए आज हम क्या करेंगे, आज हम हिंदी ग्रामर के चैप्टर 19 मुहावरे की एक्सरसाइजेस फिल करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारी पहली एक्सरसाइज है वो क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बच्चों वैसे मैं आपको हमेशा उत्तर जो होते हैं वो लिख कर करवाती हूँ, लेकिन आज मैं आपको बोल कर करवाऊंगी। मैं देखना चाहती हूँ आप हिंदी को शुद्ध लिखते हैं या नहीं। ओके, तो आज मैं आपको जो आंसर है वो बोल कर लिखवाऊंगी। ओके, तो जाइए फटाफट से अपनी पेंसिल, इरेजर और नोटबुक ले आइए हिंदी ग्रामर की, ताकि मैं आपको जो आंसर बोलूं वो आप लिख सकें, या अभी आप समझ लीजिए, उसके बाद आप बाद में अपनी नोटबुक पर लिख लीजिएगा। ओके, तो चलिए जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, मुहावरे किसे कहते हैं? बच्चों आपको पता है कि हम मुहावरे किसे कहते हैं, जिन वाक्यांशों का सामान्य या शाब्दिक अर्थ नहीं होता बल्कि एक विशेष अर्थ होता है, उन्हें हम मुहावरे कहते हैं। एक बार फिर से बोलती हूँ, हम मुहावरे किसे कहते हैं, जिन वाक्यांशों का सामान्य या शाब्दिक अर्थ नहीं होता बल्कि एक विशेष अर्थ होता है, उन्हें हम मुहावरे कहते हैं। आपको मुहावरे किसे कहते हैं ये समझ आया? बताइए, जिन वाक्यांशों का सामान्य या शाब्दिक अर्थ नहीं होता परन एक विशेष अर्थ होता है, उन्हें मुहावरे कहते हैं। चलिए अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो जो हमारा सेकंड नंबर का क्वेश्चन है वो क्या है, मुहावरे का प्रयोग स्वतंत्र रूप से क्यों नहीं हो सकता। मुहावरे का प्रयोग स्वतंत्र रूप से क्यों नहीं हो सकता। देखिए, हमने आपको पहला जो क्वेश्चन था वो लर्न करवा दिया, अब हम अपना सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं, वो क्या है, मुहावरे का प्रयोग स्वतंत्र रूप से क्यों नहीं हो सकता। तो बच्चों लिखिए, मुहावरे का प्रयोग स्वतंत्र रूप से इसलिए नहीं हो सकता, मुहावरे का प्रयोग स्वतंत्र रूप से इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वे पूर्ण वाक्य ना होकर वाक्यांश होते हैं, क्योंकि वे पूर्ण वाक्य ना होकर वाक्यांश होते हैं। एक बार फिर से बोल रही हूँ, मुहावरे का प्रयोग स्वतंत्र रूप से इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वे पूर्ण वाक्य ना होकर वाक्यांश होते हैं। समझ आया आपको बच्चों? तो इसीलिए हम मुहावरों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकते। चलिए, आपको फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी समझ आ गई होगी का नंबर की। चलिए, तो अगली एक्सरसाइज है हमारी, नीचे स्तंभ आ में मुहावरे और स्तंभ बा में उनके अर्थ दिए हैं। आपको यहाँ पर आ में मुहावरे और बा में उनके अर्थ दिए हैं। मुहावरों को सही अर्थ से मिलाइए। आपको क्या करना है, मुहावरों को सही अर्थ से मिलाना है। तो देख सकते हैं बच्चों, मैंने यहाँ पर भी नंबर डाल लिए हैं ताकि हमसे गलती ना हो। ओके, तो आप भी इसी तरीके से करिएगा। तो देखिए, जो हमारा फर्स्ट मुहावरा है वो क्या है, अंगारों से खेलना। तो बच्चों, जो हमारा फर्स्ट नंबर पर जो मुहावरा है वो क्या है, अंगारों से खेलना। क्या है, अंगारों से खेलना। तो अंगारों से खेलना मतलब खतरा उठाना। तो अंगारों से खेलना मतलब क्या होता है, खतरा उठाना। तो आपने यहाँ पर कौन सा नंबर डाला है, नंबर वन। तो देखिए, नंबर वन को आपने नंबर वन से जोड़ दिया, तो अंगारों से खेलना उसका अर्थ क्या होता है, खतरा उठाना।
अंगारों से खेलना, खतरा उठाना। उसके बाद जो हमारा सेकंड नंबर है वो क्या है, एक आंख से देखना, मतलब सबको एक बराबर समझना। तो एक आंख से देखना, सबको एक बराबर समझना, एक आंख से देखना, सबको बराबर समझना। तो देखिए यहाँ पर मैंने नंबर 2 डाला है। बच्चों आपको काउंटिंग लिखनी है, आपको मैचिंग नहीं करनी है, ओके। तो एक आंख से देखना, सबको बराबर समझना। उसके बाद जो हमारा थर्ड नंबर पर मुहावरा है वो क्या है, घी के दिए जलाना। और उसका अर्थ क्या होता है बच्चों, प्रसन्नता प्रकट करना। घी के दिए जलाना मतलब क्या होता है बच्चों, प्रसन्नता प्रकट करना। घी के दिए जलाना, प्रसन्नता प्रकट करना। तो इसीलिए हमने जो घी के दिए जलाना मुहावरा है उसका अर्थ क्या हुआ, प्रसन्नता प्रकट करना। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपका 3 नंबर लिख दिया है। उसके बाद जो हमारा अगली 4th नंबर का मुहावरा है वो क्या है, प्राणों की बाजी लगाना। तो प्राणों की बाजी लगाना मतलब जान जोखिम में डालना। प्राणों की बाजी लगाना मतलब क्या होता है, जान जोखिम में डालना। प्राणों की बाजी लगाना, जान जोखिम में डालना। तो बच्चों आपको समझ आया। देखिए 4th नंबर का हमने 4th नंबर से मिला दिया। उसके बाद 5th नंबर पर देखिए, लट्टू होना। लट्टू होना मतलब मोहित होना, लट्टू होना मोहित होना। तो यहाँ पर हमने क्या नंबर डाला, 5। ये 5 नंबर का है तो यहाँ पर हमने 5 नंबर डाल दिया। तो अंगारों से खेलना, खतरा उठाना, एक आंख से देखना, सबको बराबर समझना, घी के दिए जलाना, प्रसन्नता प्रकट करना, प्राणों की बाजी लगाना, जान जोखिम में डालना, लट्टू होना मोहित होना। तो बच्चों आपको खा नंबर की एक्सरसाइज समझ आ गई। चलिए तो अब जो हमारी अगली एक्सरसाइज है गा नंबर की, वो क्या है, उचित मुहावरों का प्रयोग करके वाक्य को पूर्ण कीजिए। यहाँ पर आपको कुछ वाक्य दिए हैं, आपको उनको कुछ मुहावरों से पूर्ण करना है, मतलब पूरा करना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, उचित मुहावरों का उपयोग कर वाक्यों को पूरा करना है। चलिए देखिए, तो जो हमारा 1st नंबर पर जो वाक्य है वो क्या है, यदि किसी ने हमारे देश की ओर आंख उठाकर देखा, यदि कोई हमारे देश की ओर आंख उठाकर देखेगा तो हम क्या करेंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। यदि किसी ने हमारे देश की ओर आंख उठाकर देखा तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। आपको समझ आया, तो यहाँ पर मैंने कौन सा मुहावरा डाला है, ईंट का जवाब पत्थर से देना। उसके बाद 2nd नंबर पर जो हमारा मुहावरा था वो क्या था, भाई बहुत दिनों बाद दिखाई दिए हो, बिल्कुल ईद का चांद हो गए हो। भाई बहुत दिनों बाद दिखाई दिए हो, बिल्कुल ईद का चांद हो गए हो। तो बहुत दिनों बाद दिखना मतलब ईद का चांद होना। तो इसीलिए बच्चों हमने यहाँ पर क्या मुहावरा लिखा है, ईद का चांद होना। बहुत दिनों बाद दिखाई दिए हो, बिल्कुल ईद का चांद हो गए हो। समझ आया। चलिए 3rd नंबर का देखिए, तो 3rd नंबर पर जो सेंटेंस है वो है, बहुत थक गया हूँ, अब थोड़ा दम ले लेता हूँ, या फिर दम लेना चाहता हूँ, मतलब विश्राम करना चाहता हूँ, बहुत थकान हो गई है। तो आप भी थकान के बाद आराम करते हो ना, तो बहुत थक गया हूँ, अब थोड़ा दम लेना चाहता हूँ, ठीक है। तो बहुत थक गया हूँ, अब थोड़ा दम लेना चाहता हूँ, यहाँ पर हमने कौन सा मुहावरा यूज किया है, दम लेना। चलिए उसके बाद जो 4th नंबर का हमारा मुहावरा है वो क्या है, जैसे ही पुलिस आई सभी शरारती तत्व 9-2-11 हो गए। मतलब जैसे ही पुलिस आई तो सभी शरारती तत्व भाग गए। तो जैसे ही पुलिस आई सभी शरारती तत्व 9-2-11 हो गए। यहाँ पर बच्चों हमने कौन से मुहावरे का यूज किया है, 9-2-11 होना। तो आपको समझ आया। चलिए 5th नंबर का देखिए, आजकल महानगरों की इमारतों को देखकर लगता है मानो वे आकाश चूम रही हैं। क्या लगता है, आजकल महानगरों में इतनी बड़ी बड़ी इमारतें होती हैं कि ऐसा लगता है कि वे आकाश चूम रही हैं, है ना। तो यहाँ पर हमने कौन सा मुहावरा फिल किया है, आकाश चूमना। तो बच्चों देखिए जो हमारा 1st वाला मुहावरा है, यदि किसी ने हमारे देश की ओर आंख उठाकर देखा तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, एक ये मुहावरा आ सकता है। और एक और मुहावरा आ सकता है, तो हम उसकी ईंट से ईंट बजा देंगे। क्या एक और मुहावरा आ सकता है, वो कौन सा है, तो हम उसकी ईंट से ईंट
बजा देंगे। तो बच्चों आपको समझ आया? तो आपको बच्चों ये सारी एक्सरसाइजेस समझ आए? तो आज आपको होमवर्क में क्या करना है, आज आपको होमवर्क में हिंदी ग्रामर के चैप्टर 19 की ये सभी एक्सरसाइज अपनी हिंदी ग्रामर की पेन नोटबुक में लिखनी है। तो बच्चों आज का आपका होमवर्क क्या है, आज आपको ये सारी एक्सरसाइज अपनी हिंदी ग्रामर की पेन नोटबुक में लिखनी है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, चलिए गुड बाय।